नमस्कार, मैं मेहुल कर कक्षा सातवीं की छात्रा। यदि मुझे स्कूल डिजाइन करने का अवसर मिले तो मैं मुख्य अध्यापिका अध्यापकगण विद्यार्थी एवं स्कूल के हर कर्मचारी की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूल डिजाइन करूंगी। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए अपने विचारों को स्पष्ट करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल के मेन गेट से, जो कि दो एंट्रेंस में होगा, एक छोटा जो पैदल आने वालों के लिए होगा और एक बड़ा जो स्कूल बस, वैन, ऑटो रिक्शा के आने के लिए होगा। खास जगहों पर फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर भी लगवाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए कैमरे भी लगवाए जाएंगे जो कि हर कोने को कवर करते हों। मुख्य अध्यापिका का कमरा एक ऐसी जगह पे होगा जहां से ज्यादा स्कूल पर ध्यान रख सके। अब हम बात करेंगे स्कूल के विद्यार्थियों के, जो स्कूल का आधार होते हैं। विद्यार्थी जिनका काफी समय स्कूल की कक्षा में ही बीत जाता है, वह खुले, हवादार एवं प्राकृतिक सूर्य प्रकाश से उजागर होने चाहिए। विद्यार्थियों के बैच इतने भी नजदीक ना हो कि वो एक दूसरे से बातों में ही लगे रहे और इतने भी दूर ना हो कि वो एक दूसरे को बुला ही ना पाए। क्लासरूम में अध्यापिका के बैठने के लिए जगह, ब्लैक बोर्ड और बुक शेल्फ का भी निर्माण किया जाएगा। हर फ्लोर पर जाने के लिए दो रास्ते होंगे, एक रैंप और एक सीढ़ियां। हर फ्लोर पर एक स्टाफ रूम बनवाया जाएगा बाथरूम के साथ। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बाथरूम हर सुविधा के साथ बनवाए जाएंगे। एक लाइब्रेरी बनवाई जाएगी जिसमें हर स्तर के बच्चों के लिए रुचि विषय और सामान्य ज्ञान से की पुस्तकें हों। सोशल स्टडीज लैब, मैथ्स लैब, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब का भी स्कूल में निर्माण किया जाएगा। छोटे बच्चों के लिए एक टॉय रूम भी बनवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त डांस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी कमरा बनवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो समय और परिस्थितियों के साथ उसका भी निर्माण होता रहेगा। धन्यवाद।